एक ने हमें लिखा, कहा हमें, मैं आपके लिए अपने माँ बाप छोड़ के आई, नौकरी छोड़ के आई, घर बार छोड़ के आई, अब मैं कैसे प्रूव करूं कि मेरा आपसे प्रेम है? छोड़ के आ जाने से, अब छोड़ के आए हो तो कोई एहसान है मेरे ऊपर? हमने तो पत्र नहीं भेजा था कि आ जाओ। ये गलती मैं नहीं करती हूं कभी। कोई हजार दफे कहे मुझे आश्रम में रहना है, हम हजार दफे इग्नोर करते हैं, मना कर देते हैं। व्हाई? अभी तुम अपने ही नहीं हो सके, मेरे कहां से होगे? अभी तो अपना आप ही नहीं जानते, मन के पीछे लगे हो। ये मन पहले दुनिया में भगा रहा था तो दुनिया पीछे भाग रहे थे, अब सडनली मन ने कहा नहीं गुरु जी अच्छे आश्रम अच्छा वहां चलो, तो तुम्हारा मन भगा के यहां ला रहा है। किसी दिन फिर मन बदल जाएगा तो फिर भाग जाओगे। भागने वालों के साथ हम रिश्ता क्या जोड़ें? पहले अपने आप से तो रिश्ता जोड़ो। कौन हो तुम ये जानो, कौन हो तुम ये समझो। डे दैट हैपन्स, जब तुम अपने हो जाओगे फिर तुम हमारे भी हो जाओगे। जिसका मन अपने नियंत्रण में नहीं है, उसके मन में उठी प्रेम श्रद्धा की भावना कितनी देर टिकी रहेगी? क्या इसकी गारंटी वो खुद दे सकता है? प्रॉब्लम है। तो देह से मैं ममत्व जब बनती है तो हम देह बन के जीते हैं, देह बन के जीते हैं तो दुख पाते हैं, मन बन के जीते हैं दुख पाते हैं। मन कभी लोभ में जाएगा, कभी क्रोध में जाएगा, कभी वासना में जाएगा, कभी द्वेष में जाएगा। ये वृत्तियां तो बनती रहती, वन आफ्टर अनदर आफ्टर अनदर। देह नहीं हूं, मन नहीं हूं, ये अब बोलने से नहीं आएगा, सुनने से नहीं आएगा। उसके लिए चाहिए अभ्यास। अभ्यास मन को स्थिर करने का। पहले बिना मन की स्थिरता के कोई अभ्यास नहीं हो सकते, ये तो एकदम कन्फर्म है। सच तो ये है, जिनके मन स्थिर नहीं है वो नौकरी भी नहीं कर सकते, बिजनेस भी नहीं कर सकते। जिसकी जुबान मन गंदा है वो ग्राहकों से भी लड़ लेगा, पार्टनर से भी लड़ लेगा, अकाउंटेंट से भी लड़ लेगा, चौक में खड़े पुलिस वाले से भी लड़ लेगा। जिसके क्रोध की अधिकता है कैन नॉट बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। टू बी अ गुड बिजनेसमैन यू हैव टू हैव अ वेरी गुड कॉन्डक्ट, एंड आई हैव सीन दे आर अमेजिंग टॉकर्स, स्वीट टॉकर्स। कि वो ग्राहक को तो रिश्तेदार बना लेते, वो ग्राहक तो सोचते भाई ये तो अपनी बिरादरी का है, अपनी जाति का है, अपने स्टेट का है, ये तो अपना है। अब आप जाओ दुकान में सामान लेने और वो जो मालिक है वो निकले बंगाली, तुम भी बंगाली वो भी बंगाली, हो गई दोस्ती? ये तो बाद में पता चलेगा कि बंगाली बंगाली के चक्कर में कंगाली कर गया वो। आप तो हमारे अपने हो, और सामान एक ही बार लेना होता है तो दोबारा उससे आप क्यों मिलोगे? दे हैव वेरी स्वीट टंग। ऑल ट्रेडर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सेल्समैन, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, दे हैव टू हैव अ वेरी स्वीट टंग। दिल में तो इच्छा होगी कि ये जो मेरे से रेट कम करा रहा है इसका गर्दन दबा दूं मैं, लेकिन उसको कहेंगे चाय पियेंगे, चाय पियो आप, छोड़िए बिजनेस तो होता रहेगा, चाय पीजिए, क्या खाएंगे? वो खाते खाते पीते पीते ऐसा मक्खन लपेटेंगे और फिर जिस भाव में बेचना था उससे भी ज्यादा ही में बेच देंगे, पैसा ज्यादा ले लेंगे उससे। बस फर्क ये है, बिजनेसमैन, ट्रेडर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्वीट टॉकर तो होते हैं, गुस्सा नहीं खाते हैं, लेकिन गुस्सा अंदर पालते हैं।
नुकसान हो गया तो, जिसने धोखा दिया तो, जिसने कुछ कम ज्यादा कर दिया, लॉट ऑफ एंगर फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर आ जाती है. तो फिर अपनी उस विक्षेप, उस फ्रस्ट्रेशन, उस एग्रेशन, उस क्रोध के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाता है. देखिए, जब आप एक्साइट होते हैं शरीर की केमिस्ट्री बदल जाती, जब आप एंगर में आते हैं, क्रोध में आते हैं, शरीर की फिर केमिस्ट्री बदल जाती, जब आप डिप्रेस होते हैं तब भी शरीर की केमिस्ट्री बदल जाती. और इन तीन ही सिर्फ, बाकी छोड़ दीजिए, सिर्फ इन तीन, क्रोध, तनाव, उदासी, ये तीन ही काफी हैं आपके शरीर को खराब करने के लिए. और ये नहीं कि आप एक दिन में पूरे दिन उदासी रहें, घंटे डेढ़ उदास हैं, फिर कोई खबर सुन ली खुश हो गए, फिर पता चला जो सोचा था वो होना नहीं, फिर निराश हो गए. तो अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स. जस्ट थिंक, हैव यू एवर बीन टू सम पार्क विच हैज दिस एंटरटेनमेंट राइड्स, रोलर कोस्टर जिसमें हुए, अब आप उसमें बैठिए, डेढ़ मिनट से ज़्यादा की उनकी राइड नहीं होती, वन मिनट, वन एंड हाफ मिनट की राइड, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इतने तेज से ट्विस्ट टर्न दे के घुमाया, लोगों को उल्टियाँ हो जाती, वॉमिट्स हो जाती, चीखते हैं, चक्कर आ जाते हैं. जो डेंजरस ट्विस्ट टर्न्स वाली होती हैं, वहाँ तो एक वार्निंग साइंस लगा के रखते हैं कि अगर आपके हार्ट अटैक है, अगर आपके कोई डिजीज है, या आप प्रेग्नेंट है, या आपको वर्टिगो है, तो इस पर बिल्कुल मत चढ़िए, क्योंकि 180 डिग्री टू 200 डिग्री वो कितने सारे ट्विस्ट चेंज मार देगा. पर देखिए लोगों को कितना मज़ा आता है उसमें जाने का, लाइनों में खड़े रहते हैं, पैसा देते हैं जाने के लिए, देखने में हालत खराब, पर जो जाते हैं उन्हें आनंद होता है. कितना भी थ्रिल सीकर हो, उसको आप अगर बार 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 उस रोलर कोस्टर पे चढ़ाते रहेंगे तो वो भी बीमार हो जाएगा. एक संसारी की जिंदगी यही होती, रोलर कोस्टर राइड. फॉर एग्जाम्पल, लोन अप्लाई किया, प्रास होएगा नहीं होएगा, होएगा नहीं होएगा, तनाव हो गया, एक्साइटेड, कार खरीद ली, वेरी एक्साइटेड, तेज चलाई मजे लेने के लिए, पुलिस ने काट दिया चालान और गाड़ी भी बंद कर दी, डिप्रेस्ड. और पुलिस वाले ने पैसा भी खाया और पर्चा भी काट दिया, क्योंकि डेंजरस ड्राइविंग से जान को खतरा है, तुम्हारी भी और दूसरे की भी. अब आप तो मजा ले रहे थे. मैं तो कई बार देखती हूँ जब कार के स्पीडोमीटर, एक कार मैं देख रही थी, दैट कैन गो टू ऑलमोस्ट 320 किलोमीटर्स. मैं कहा चलाएंगे कहाँ है इसको, इंडिया में तो नहीं चलने वाली, इंडिया में तो 60 की लिमिट है, 70 हो जाए चलान हो जाते. चलान मतलब रुपया ही दोगे और क्या करोगे. पर कभी कभी हो भी जाते, जेन्युइनली कब दे देते हैं कि चलिए अब भुगतिए कोर्ट में आकर. पीपल वॉन्ट टू हैव अ वेरी थ्रिलिंग लाइफ. डू दिस, डू दिस, ट्राई दिस, गो देयर. क्या किया तुमने अभी तक? पैसे ही कमाए, अच्छा घर बना लिया, कार हो गई, ज्वेलरी हो गई, शादी हो गई, बच्चों, अब क्या? बोर, व्हाट टू डू? गो बंजी जंप, स्पीड बोट, एयर जंप, पैराशूट जंप, सफारी, हिमालयन सफारी करो. क्या करें अब, क्या करें अब, मर जाओ. बेस्ट थ्रिल. कितने बोर हो गए हम, क्या करें.
तो इमोशनल भावनात्मक अप्स एंड डाउन्स तो जैसे काफ़ी थे नहीं, उसके ऊपर से इस तरह की सब चीज़ें, और यही करते कराते में, यही करते कराते में पीपल कैन बी सो स्टूपिड. लाइक आई नो अबाउट अ गाय हु वेंट टू हिली रेंज एंड ड्रोव हिज हार्ली डेविडसन एट हाईएस्ट स्पीड एंड एट अ टर्न ही कुड नॉट टर्न प्रॉपरली एंड एंडेड अप इनटू द एबिस. चार टुकड़ों में शरीर मिला उसका. काहे के लिए गया था? टू हैव थ्रिल. थ्रिल किल्ड हिम. अज्ञानता से ये जो भावनात्मक स्थिति होती है कि कभी आप उदास हो रहे हैं, कभी आप उछल रहे हैं, कभी आप बिल्कुल मेंढक की तरह पड़े हुए हैं, एक ही जगह में उछल रहे, ज्यादा छलांग, और सोचते छलांग बड़ी लग क्यों नहीं रही मेरी, और मेंढक उछले जा रहा है. और मेंढक की छलांग शेर जे चीते जैसी छलांग तो होने नहीं वाली, तो उछले जा रहे, उछले जा रहे, उछले जा रहे, उछले जा रहे. शिकवा, शिकायत, गुस्सा, नाराजगी ईश्वर से, कर्मों से, प्रारब्ध से, माँ बाप पे, मिला कुछ नहीं. क्या दिया तुमने हमें, पैदा क्यों किया था? और लो घोड़ी चढ़ चढ़ स्वाद जो लेने थे ना, तुम्हारी औलाद खड़े होके कहती तूने पैदा ही क्यों किया था, जब अकल नहीं है, पैसा नहीं है, क्या तुम्हारे पास, क्यों पैदा किया मुझे? बचपने में बेवकूफी होती है, जवानी में रेस होती है, और बुढ़ापे में पछतावे होते हैं. इसलिए जहां चार बुढ़े बैठे हों, द मोस्ट डिप्रेसिंग कन्वर्सेशन हो रही होगी, कोई नहीं दुनिया से. बड़े लड़के ने ये कर दिया, बड़ी बहू ने ये कर दिया, छोटे ने ये कर दिया, बीच वाले ने चंद चढ़ा देते हैं, या तो ये, और यहां बीमारियां डिस्कस हो रही, तेरा बाईपास हो गया, मेरा दो बारी हो गया. चार बुड्ढे बैठे हुए थे, बोले सुबह आती नहीं है, तुम्हें आई? अरे इस गोल खाया कर, इस गोल खाया कर, त्रिफला खाया कर, त्रिफला खाया कर. या बैठ के बीमारियां बात कर रहे होंगे, या जीवन के अफसोस, या गप्पे हाँक रहे होंगे. हम पाकिस्तान में बड़े अमीर होते थे, चार घोड़े की बग्घी थी हमारी, किसने देखी? जो मर्जी बोल दो. हम इतने सेठ होते थे, हम इतने साहूकार होते थे, मैं इतना जवान हट्टा कट्टा होता था, सब लड़कियां मरती थी. अब वो ये कैसे बोले कि सब लड़कियां मारती थी जूते से उसको, ये तो बोल नहीं सकता. अब वो लड़कियां हैं नहीं, इसलिए कुछ भी बोलो. तो यहां गप हाँक रहे होंगे, या बीमारियों की बात कर रहे होंगे, या जीवन के अफसोस, बुढ़ापा अफसोस, जवानी पागल दौड़, और बचपन बेवकूफ. अब आप देखिए ना, बच्चा अकेला खड़ा ना, तो दोनों हाथ फैलाए और समझता मैं जहाज बन गया, जहाज बन के घूमे जा रहे. और भाई तेरा जहाज उतरेगा नहीं? कह रहा नहीं, अभी बड़ा तेल है. बच्चा बेवकूफ. और जवानी में ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, दिखा दूंगा मैं, वो कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा मैं. इतने में हो गई मिडिल एज, फूक निकल गई, फिर अफसोस रह गया. तेरी माँ से तो गलती से शादी हो गई, जो मुझे पसंद थी ना, उसकी फोटो आज तक है मेरे पास, माँ को मत बताइए. अफसोस. फिर बीमारियां. जो अति भोग करेगा उन्हें अति रोग हो जाएंगे, जो इनडिसिप्लिन जिएगा वो रोगी हो ही जाएगा. इफ यू आर कॉन्टिन्यूसली इन द इमोशनल राइड्स, यू मेक योर बॉडी सिक. सो ओल्ड एज बिकम्स द एज, द टाइम, द पीरियड ऑफ सिकनेस and guilt.
यूथ इट्स ब्लाइंड टाइम. रनर, सीकर, गो गेटर, डू समथिंग, बी समथिंग. चाइल्डहुड फुलिश. अब देखो ना, आप बच्चा गिर जाए, बच्चा रो रहा है, माँ कहती जमीन ने मारा ना तुझे, देख मैं अभी इसे मार. बच्चा ठीक है ओ मारो. बेवकूफ. बेवकूफ है वो, उसको बुद्धि नहीं, अभी बुद्धि डेवलप ही नहीं हुई. जरा सी बात में हंसता है, जरा सी बात में रोता है. और यही सब कर्म करते करते एक पूरा मनुष्य जन्म बीत जाता है. और अजीब बात है भाई, तुमने अपना बर्बाद कर लिया, आगे बच्चों का क्यों कर रहे हो? वो कहते नहीं, जो हमने किया तुम भी वही कर. मैं कर कर पछताया, तू भी कर और फिर कर कर पछताइयो. वही काम कराएंगे उनसे. कोई तो समझदार माँ बाप हो जो ये कहे कि जिस तरह हम जिए हैं बेटा तुम मत जीना वैसे. बी अ सीकर, समझो, सीखो, जानो, पढ़ो जिंदगी क्या है, मौत क्या है, जीवन किस लिए है, ये सब समझो, करो, फिर चुनाव करना करने का. हमको किसी ने अकल दी नहीं, पर आपके अंदर इतनी ईमानदारी नहीं होगी इसलिए आप ये बात कह नहीं सकोगे. इसलिए अगर कोई बच्चा थोड़ी सी भी अकल करने लग जाए तो उसके 100-150 रिश्तेदार मिलके उसे घेर लेंगे और घेर के कहेंगे बेवकूफ मत बन, हमें देख. क्या देखो, एक अकलमंद ने कहा, बोले वही तो देख देख सीख रहा हूं कि 100 बेवकूफों ने क्या बेवकूफी करी, मैं वो नहीं करूंगा. यही तो देख रहा हूं, क्योंकि अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में माँ बाप आपस में कितना लड़ते झगड़ते हैं, क्या पॉलिटिक्स खेलते हैं, कैसे इच्छाओं के पीछे मरते हैं, कैसे रिश्तेदारों को ठगने की स्कीम बनाते हैं, कैसे दादा की वसीयत हमारे नाम हो जाए इसकी कोशिशें करते हैं, कैसे झूठ सच बोलते हैं. बच्चा ये सब ड्रामे देखता है और आप कहते हो हमारे जैसे बन जा. कहना ये चाहिए, हमारे जैसे मत बनना. But a lie spoken million times becomes a truth. And at least I can say, these lies which you are hearing are being spoken for tens of billions of time, because that is what the population of this earth is today.